नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं कुसुम प्रसाद और आप सभी देख रहे हैं हमें ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और स्टूडेंट्स, आपको हम बता देते हैं कि हमारा ये सत्र साइंस का है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। और आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो हम बता देते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, पार्ट टू होगा ये, यानी जैव प्रक्रम भाग दो। और इसे पढ़ाने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से मौजूद है हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर सुशील कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर हैं PGT बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। तो स्टूडेंट्स, आप अपने प्रश्न तैयार रखिए। आपको कोई भी प्रश्न आपके जहन में आते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, साझा कर सकते हैं। किस तरह से हम आपको बता देते हैं, आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए, 8800440559 पर। और आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in पर। तो ये थे हमारे विभिन्न माध्यम। और इस सत्र को शुरू करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हम साझा करना चाहते हैं G20 से रिलेटेड। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. तो आइए अब रुक करते हैं हमारे सत्र की तरफ, आगाज़ करते हैं और सर से पूछते हैं आज इस सत्र में क्या कुछ है। सुशील सर, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। यस मैम जी। सर, हम लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, पार्ट टू। तो हम चाहेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आप संक्षेप में थोड़ा सा बताएं कि हमने पार्ट वन में क्या क्या कवर किया था। प्रथम जो हमारा लेक्चर हुआ था, पहला वाला लेक्चर, उसमें हमने बच्चों के साथ डिस्कस किया था कि वो सारी कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम हैं जिनके द्वारा हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर रह पा रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो सकते हैं या वो एनिमल्स हो सकते हैं। जिसमें भी जीवन है उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं, विशेष प्रकार की प्रोसेसेस पाई जाती हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर हम उन लाइफ प्रोसेस में बात करें वन बाय वन, तो मैं जल्दी से क्विक रिकैप के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं से अपने अंदर एक प्रक्रिया करते हैं जिसे हम कहते हैं मूवमेंट। दूसरी प्रकार की जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तीसरे प्रकार की जो लाइफ प्रोसेस है जिसमें आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं आइदर प्लांट एंड एनिमल, दे शो सेंसिटिवनेस, अर्थात जब भी बाहर कोई भी फिजिकल एनवायरनमेंट में या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होता है शरीर के अंदर या बाहर, तो वो सेंस करते हैं। ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक्सक्रीशन होता है, अर्थात उनमें जो कुछ भी वो भोजन लेते हैं पहले उसमें डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उनके शरीर से जो वेस्ट सब्सटेंस है वो बाहर निकलता है। एक पूरी सिस्टमेटिक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और जो वेस्ट सब्सटेंस है उनके निकालने के लिए डेफिनेट ऑर्गन्स होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल एक्टिविटी होती है, स्पेशल प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन, हिंदी में हम इसे श्वसन कहते हैं। चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, इनमें रिस्पायरेशन पाया जाता है। हम लोगों ने पिछले टर्म पर बच्चों आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। इसके आधार पर हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इन सारी प्रोसेस को हम लाइव प्रोसेसेस कहते हैं। अब इसके बाद जो पहली प्रोसेस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे वो प्रोसेस है दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन को लेता है और फिर उसको यूटिलाइज करता है, जिससे कि शरीर में ग्रोथ, रिपेयर और जो शरीर की कोशिकाएं टूटती हैं, जो तोड़फोड़ हो जाती है शरीर में, डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी का रिपेयर होता है। हम कह सकते हैं कि जो मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन है, ये हम लोगों ने पिछले टाइम पे आपसे डिस्कस किया था, वो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक तरफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की सहायता से बना लेता है। उन सारे ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी तरफ आपसे डिस्कस हुआ था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसके अंतर्गत दो प्रकार के न्यूट्रिशन आते हैं। एक होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते, वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे हम और आप लोगों ने कई सारे फंगस अपने आसपास देखे होंगे, जैसे मशरूम एक बहुत ही पॉपुलर फंगस है, हमारी ब्रेड मोल्ड लग जाती है, रोटी में फफूंदी लग जाती है, या ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते। दूसरी तरफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होता है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कुशकुटा या अमर बेल, जिसे हम आकाश बेल भी कहते हैं, ऐसे हमारे शरीर के ऊपर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन्हें हम इक्टोपैरासाइट कहते हैं। दे आर डिपेंड ऑन अवर बॉडी फॉर देयर न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर भी पैरासाइट के रूप में रहते हैं, जैसे एस्केरिस या राउंड वॉर्म, और ऐसे ही फैसियोला हेपेटिका, और ये सीप वॉर्म कहलाता है, और ऐसे ही एक होता है टेप वॉर्म जिसे हम टीनिया सोलियम कहते हैं, ऐसे ही प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरियल पैरासाइट कहलाता है। ये अलग अलग प्रकार के पैरासाइट है, कुछ शरीर के अंदर से हमारे शरीर से न्यूट्रिशन लेते और कुछ शरीर के बाहर से। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, अर्थात वो सीधे सीधे डायरेक्टली भोजन लेते हैं और उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं, पाचन करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और हम इंसान, चिड़िया या जो भी मछलियाँ, छिपकलियाँ, ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग प्लांट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, अब यहाँ से हम लोगों को डिस्कस करना था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है लिविंग प्लांट्स के अंदर, जैसा कि नाम ही बता रहा है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू फॉर्म, मतलब दिस इज द प्रोसेस बाई विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज 6CO2 एंड कंबाइंड विद 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अर्थात वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सो दे फॉर्म द C6H12O6 विद इन द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज फॉर्मड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो देयर आर द स्टेप्स इन द फोटोसिंथेसिस, लाइक फर्स्ट स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मींस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। थर्ड स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट लाइक द ग्लूकोज। सो अब आपके मन में ये बात आ रही होगी बच्चों कि ये क्लोरोफिल क्या है। ये क्लोरोफिल एक प्रकार का हरे कलर का, क्लोरो मींस होता है ग्रीन, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि अगर हम किसी लीफ का जब क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो हमें उस लीफ में बहुत सारे सेल्स के अंदर ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, ग्रीन कलर की बॉडी दिखाई देंगी, उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में आपको सेल ऑर्गेनेल पढ़ाए गए होंगे, और उस दौरान आपको एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया गया होगा जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड, और आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिड अगर वो उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है तो ऐसे प्लास्टिड को हम
क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और अगर ऐसा प्लास्टिड जिसमें कि ग्रीन के अलावा और कोई पिगमेंट हो, जैसे रेड कलर का या फिर दूसरे कलर का हो, तो उसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और अगर वो कलरलेस हुआ तो उसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो जब किसी लीव की सेक्शन कट करके देखें तो उनके अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल। सो आप इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक लीव का सेक्शन दिखाया गया है। लीव के ग्राउंड टिश्यू को कहते हैं मीजोफिल, और आप देख रहे होंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं ग्रीन कलर के, राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे, और इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। आप इस स्लाइड के माध्यम से और अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी भी प्लांट सेल को जब हम लीव का सेक्शन काटेंगे तो सेंटर में बहुत बड़ी एक वैक्यूल होती है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल एंड इन द पेरिफेरी यू विल बी एबल टू सी देयर इज ए न्यूक्लियस एज वेल एज देयर आर सम राउंड बॉडी दैट आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल। अब अगर हम देखें तो, और अगर आगे देखें तो देख पा रहे होंगे आप कि ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, अगर हम इसका हम स्ट्रक्चर को भी देखें तो अगर जब सेक्शन कट करके अगर क्लोरोप्लास्ट का देखा गया तो आपको देखने को मिलेगा कि क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम थायलोकोइड कहते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, और बहुत सारे ऐसे थायलोकोइड जो एक के ऊपर एक लगा के रख दिए जाते हैं उन्हें हम ग्रेना कहते हैं। तो ये थायलोकोइड एंड ग्रेना आर द स्ट्रक्चर दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लोरोप्लास्ट। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी बच्चों कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कहाँ से किस स्ट्रक्चर से लेते हैं और ऑक्सीजन को कहाँ से किस स्ट्रक्चर के माध्यम से रिलीज करते हैं। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में पहले कभी कि प्लांट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम छोटी छोटी ओपनिंग कहते हैं, जिन्हें कहते हैं हम स्टोमेटा। अगर हम किसी लीव का सेक्शन कट करके देखें तो आप देखेंगे कि देयर आर टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अगर हम एक स्टोमेटा की बात करें तो ईच स्टोमा, स्टोमा इज द सिंगुलर वर्ड, सो ईच स्टोमा हैज ए पेयर ऑफ द गार्ड सेल, मींस टू गार्ड सेल्स आर फाउंड। अब इन ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये किडनी के आकार की होती है, रेनिफॉर्म होती हैं, और इनके बीच में आप देख रहे होंगे देयर इज ए पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टोमेटल पोर। और गार्ड सेल में आप देख रहे होंगे बच्चों कि देयर आर सो मेनी ग्रीन स्ट्रक्चर्स आर फाउंड नोन एज क्लोरोप्लास्ट। सो इन दिस स्लाइड यू विल बी एबल टू सी दैट वन स्टोमेटा स्ट्रक्चर इज ओपन स्ट्रक्चर एंड अनदर इज द क्लोज्ड स्ट्रक्चर। सो स्टोमेटा की एक स्पेसिफिक जो कंडीशन में ये खुलते हैं और बंद होते हैं, और इस दौरान गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा स्टोमेटा के द्वारा एक और प्रक्रिया होती है जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं, अर्थात लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द वेपर फॉर्म। सो स्टोमेटा आर अ यूनिक स्ट्रक्चर एंड यू कैन कट द सेक्शन ऑफ द लीव एंड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप यू मे सी द वेरियस स्टोमेटा दैट आर फाउंड इन द लीव्स। सर तो आपने बच्चों ये यस मैम जी सर मैं जानना चाहूंगी इज स्टोमेटा आर फाउंड इन ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स आल्सो। यस मैम, स्टोमेटा आर फाउंड इन एवरी लिविंग प्लांट, बट फॉर एग्जांपल देयर आर सम मोनोकॉट प्लांट मींस द सीड हैव वन कॉटलीडन। जैसे आपने गेहूं देखा होगा, जैसे मक्का देखा होगा, या फिर आपने केले का लीव देखी होगी, केले का पत्ता, तो इनमें स्टोमेटा होते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। मैं अभी बता रहा हूँ, वो जीरोफिटिक प्लांट के भी स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको।
तो जो ये स्टोमेटा होते हैं ये मोनोकॉट प्लांट में भी पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया गेहूं या धान या जिसे हम चावल की फसल कहते हैं या मक्का, या फिर डाइकॉट में जैसे जितनी भी दलहनी फसलें हैं, चाहे वो अरहर हो सकता है या चना या मटर की पत्तियां हो गई या जो भी मैंगो प्लांट हो गया, ट्री हो गया, तो इसमें भी स्टोमेटा पाई जाती है। तो और स्टोमेटा इज सराउंड बाई द गार्ड सेल्स, बट द डिफरेंस इन द स्टोमेटा ऑफ द मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट इज इन द गार्ड सेल। इन डाइकॉट प्लांट द स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई द किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट द गार्ड सेल्स आर डंबल शेप। डंबल के आकार की होती है, एक तो ये अंतर होता है मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टोमेटा में। दूसरा इनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है, अगर हम डाइकॉट प्लांट में देखेंगे, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में देखेंगे, तो जो स्टोमेटा की जो सरफेस सन के सन को फेस करने के अपोजिट हो गया था, लोअर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा होंगे। अर्थात ऐसी पत्तियों को हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा इक्वल नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब दोनों सरफेस पर समान मात्रा में होंगे। तो ये तो अंतर हुआ बच्चों मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट के स्टोमेटा में। और स्टोमेटा फिर विशेष परिस्थितियों में खुलते हैं, बंद होते हैं, जिसके द्वारा गैसेस एक्सचेंज होती है। मैम ने अभी हमसे सवाल किया कि क्या जीरोफिटिक प्लांट में स्टोमेटा पाए जाती है। आप जानते होंगे कि जीरोफिटिक प्लांट बच्चों वो प्लांट होते हैं जो पानी की कमी में ग्रो होते हैं। रेगिस्तान वाले पौधों को हम जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। अभी अभी हम लोगों ने ये बात की आपसे कि स्टोमेटा के द्वारा पानी का लॉस होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ दी जब हाई टेम्परेचर और सनलाइट होती है, जैसे इस समय गर्मियां हैं, तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा 11-12 बजे के आसपास आपने देखे होंगे आपके गमले में लगे हुए जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं, उनमें देखा होगा विल्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। और फिर आप जैसे ही पानी वाटरिंग करते हैं 4-5 बजे शाम को अपने पौधों में, तो आपके गमले में पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाती हैं। तो पानी वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में बाहर निकलता है स्टोमेटा के द्वारा, लॉस ऑफ वाटर होता है। तो अब ये देखिए ऐसे प्लांट जो कि वैसे ही पानी की कमी में रह रहे हैं, तो उनमें क्या स्टोमेटा, अगर जैसे डाइकोट प्लांट हैं या मोनोकोट प्लांट हैं, अगर सेम वे में अगर इतने नंबर ऑफ स्टोमेटा इतने ही होंगे, तब तो वो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो जब इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान प्लांट्स ने अपने अंदर इस प्रकार से इकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन किए, कुसुम मैम, कि जी इन्होंने अपने स्टोमेटा की संख्या बहुत कम कर दी, बहुत मिनिमम नंबर ऑफ दी स्टोमेटा पाए जाते, कम पाए जाती संख्या। और जो स्टोमेटा होते भी हैं वो गड्ढे में होते हैं, मतलब ग्रूव में होते हैं, मतलब डायरेक्ट सनलाइट को नहीं फेस करेंगे, जिससे कि कम से कम वाटर का लॉस हो। तो ये अंतर होता है। तो जितने भी सकुलेंट होते हैं, जीरोपिटिक प्लांट होते हैं, उनमें ये इकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन के रूप में होता है। एक तो इकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ये होता है कि उनकी जो पत्तियां होती हैं वो आमतौर पे छोटी छोटी स्पाइंस में तब्दील हो जाती हैं। उसके पीछे का यही एक इकोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है कि टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। एंड जो स्टोमेट जो जो स्टेम है वो थिक ग्रीन हो जाएगा एंड टेक अप द फंक्शन ऑफ द लीव एंड वेरी फ्यू नंबर ऑफ द स्टोमेटा आर फाउंड। सो मेरे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्टोमेटा बहुत यूनिक स्ट्रक्चर होती हैं और इनको हम अपनी प्रयोगशाला में एक्टिविटी के द्वारा पता कर सकते हैं। ये एक एनसीआईटी में आपकी एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप अपनी प्रयोगशाला जब अभी स्कूल खुलेंगे बच्चों तो इसको आप जरूर करिएगा, और इस एक्टिविटी के द्वारा आप पता कर पाएंगे कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एक पोटेंट प्लांट होता है जिसमें वेराइगेटेड अर्थात चितकबरी पत्तियां पाई जाती हैं, उसके द्वारा आप इसको इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इसको पढ़िएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये। इसको ऐसे ही एक और एक्टिविटी हम आपको दे रहे हैं, इसको पढ़िएगा अच्छे से, और फिर जब जैसे ही स्कूल खुले अभी, तो फिर गर्मियों की छुट्टियों के बाद अपनी प्रयोगशाला में इसको परफॉर्म करिएगा। इस एक्टिविटी के अंतर्गत आप
जानेंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट जिसमें एक बैलजार लिया जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, और दो बैलजार रखते हैं, एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं दूसरे में नहीं, इसके आधार पर हम पता करते हैं कि क्या उस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की नहीं। इसको आप पढ़िएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ। अब हम लोग, आप लोग ये बच्चों जान गए होंगे कि पौधों में न्यूट्रिशन होता है, अब वो चाहे ऑटोट्रॉपिक हो या फिर हिटरोट्रॉपिक हो। अब हम इंसानों में, एनिमल्स में, अलग अलग प्रकार के जीवों में न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपलर जो फॉर्म होती है, सबसे सिंपल एनिमल होता है, उसको आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, उसको हम लोग अमीबा कहते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि अमीबा इज ए वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। सो अमीबा इज यूनिसेलुलर एनिमल दैट इज लिविंग इन द वाटर एंड इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फॉल्स फुट लाइक प्रोजेक्शन नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया शब्द को अगर बच्चों देखो आप, तो स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर, तो ये फिंगर या पैर की तरह छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनकी मदद से भोजन को अमीबा लेता है। और फिर ये स्यूडोपोडिया में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो अमीबा है, अमीबा ने देखा, आप देख रहे होंगे कि ये दिस इज द स्यूडोपोडिया, और इसके बीच में देखिए ये भोजन का टुकड़ा एक फंस चुका है, और इसके बाद देखिए स्यूडोपोडिया की आगे प्रोसेस बढ़ती है और ये आगे चल के दोनों एंड के स्यूडोपोडिया मिल जाते हैं और बना देते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो उस भोजन के टुकड़े को, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेशन के बाद फिर एसिमिलेशन प्रोसेस होती है जिसमें कि उसको सिंपल फॉर्म में जो डाइजेस्ट हुआ है उसको बॉडी अपना यूज करती है, अलग अलग भाग में एब्जॉर्ब होता है, पहुंचती है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये सिंपल एनिमल जिसे हम अमीबा कहते हैं, इसमें पाई जाती है। अब हम और आप लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, जिनमें कि ह्यूमन बीइंग भी आते हैं और भी अलग अलग मैमल्स आते हैं। तो आपने देखा होगा कि सुशील सर, मेरा एक प्रश्न है कि प्लांट और एनिमल सेल के न्यूट्रिशन में किस तरह से अंतर देखा गया है सर? देखिए मैम, आपने अभी अभी सुना होगा, हमने बच्चों के साथ डिस्कस किया था, फिर से हम बता रहे हैं कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता हरे पौधों में। अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, अर्थात एक प्रोसेस होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस की मदद से सनलाइट और वाटर के सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट रिड्यूस करता है और ग्लूकोज बनाता है। ये ग्रीन प्लांट में ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फंगस। बट जो एनिमल्स होते हैं और जिनमें हम और आप लोग भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी, उनमें देयर इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज फाउंड दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ देयर इज ए एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव एंजाइम, और एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, और बायोकैटलिस्ट जो भोजन हम और आप लोग लेते हैं ब्रेकफास्ट और अपने लंच और डिनर में, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं एंजाइम या बायोकैटलिस्ट, और वो सिंपल सब्सटेंस, इतने सिंपल सब्सटेंस के रूप में तोड़ दिए जाते हैं एंजाइम की मदद से, जो कि हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिए जाती है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग हुए या और एनिमल्स हुए, इनमें एक डेफिनेट सिस्टम पाया जाता है और इट इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और दूसरी तरफ हरे भरे पौधों में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। तो बच्चों,
हम आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप कल्पना करिए, हमारी आपकी हमारा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें देखिए एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, और वो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्ट होती है वो हमारी ओपनिंग जो होती है दैट इज नोन एज माउथ। माउथ के बाद दूसरी स्ट्रक्चर होती है ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। फिर स्टोमक, आप देखिए डायग्राम में स्टोमक है, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो जो मेन ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन दैट इज द डाइजेशन। सो दीज आर द सेलिवरी ग्लैंड। हम और आप देखते होंगे अच्छी मिठाई या इमली को देख के या अच्छे स्वादिष्ट भोजन को देख के हमारे आपके मुंह में लार आ जाती है, जिसे हम सेलाइवा कहते हैं। तो सेलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। देयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड विच आर फाउंड इन अवर स्टोमक। देयर इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज नोन एज लीवर। देयर इज ए ग्लैंड दैट इज नोन एज पैंक्रियाज एंड सम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। जी सर, सो बिल्कुल इन द सर, डिफरेंट। यस मैम, जी सर, आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, और सर ये जो आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले सत्र में आपसे ज़रूर लेंगे। सर आज के लिए आप कोई क्वेश्चन देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स के लिए, कुछ टास्क देना चाहेंगे? यस, तो ये मैं क्विक रिकैप करूं मैम, 1-2 मिनट जी है मेरे पास। सर, अब हम वाइंड अप करना चाहेंगे। तो सर यस जो यस आपने एक्टिविटी बताई है हम वही उनको होमवर्क के तौर पे दे सकते हैं। यस, तो जी अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो डाइजेशन है, बस मैं 1-2 मिनट में ये बोला पार्ट खत्म कर दूं। तो हम और आप लोग जब भोजन को लेते हैं तो हमारे माउथ में दांत होते हैं, उनके द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और उसके साथ सेलाइवा मिलाई जाती है, और सेलाइवा में एंजाइम होता है जिसे सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं, जिसमें कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सुगर, और इस प्रकार से फिर वो भोजन जो जो पार्सली डाइजेस्टेड है वो हमारे स्टोमक पर पहुंचता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जिसे कहते हैं पेप्सिन। इसके अलावा एक एसिड भी सिक्रीट होता है हमारे आपके स्टोमक में, और अलग अलग जीवधारियों भी, जिसे HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहती है। एसिडिक मीडियम में गैस्ट्रिक ग्लैंड से बिल्कुल सिक्रीट होने वाले एंजाइम पेप्सिन, ये सब डाइजेशन जी में मदद करते हैं, और इसके बाद फिर भोजन हमारा पहुंचता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पर हमारा जो लीवर है उससे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, पेंक्रियास से निकले हुए डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब मिलते हैं, और फिर फैट का डाइजेशन होता है, और इसके आधार पर फिर फैट छोटी छोटी और सब्सटेंस में टूट जाता है। तो जी माउथ सर, में स्टार्च का डाइजेशन हुआ, स्टोमक में जी आपके इधर बिल्कुल प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल फैट बिल्कुल मात्रा जी में और सब्सटेंस का, उस सुशील प्रकार सर, से भोजन हम डाइजेस्ट होता बिल्कुल बहुत है। ही तो ये स्मॉल महत्वपूर्ण इंटेस्टाइन जानकारी जो है आपकी जो आप दे रहे हैं, और आपने जो बताया कि स्टमक में एसिड होता है वो भी हम जानेंगे अगले सत्र में विस्तार से। आज के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यस थैंक यू वेरी मच। और धन्यवाद सुशील सर, और धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स का। और जाते जाते हम साझा करना चाहते हैं NCERT की टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, NCERT टेक्स्ट बुक्स फॉर 2023-24 आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, एंड दीज टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT सेल काउंटर्स लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता एंड गुवाहाटी। And these sales counter will be functional on all the weekdays, including gazetted holidays, Saturdays, Sundays, from 9:30 a.m. to 6 p.m. And you may also place order for the books online from our website ncertbooks.ncert.gov.in. And these books will be delivered at your doorstep with no delivery charges. And if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also download it for free from NCERT Diksha E Pathshala website and mobile app. So dear students and learners, please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor. तो ये थे हमारे आज का सत्र साइंस का, और इसके बाद कौन सा सत्र होगा हम बता देते हैं कुछ ही पलों में।
में हम फिर से हाजिर होंगे कक्षा 10 के लिए हिंदी का सत्र लेकर। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ई विद्या चैनल NCERT ऑफिशियल। नमस्कार।